भारतीय खेल प्राधिकरण के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित प्रशिक्षण केंद्र में हॉकी और शूटिंग के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सोमवार को शुरू यह प्रक्रिया 21 फरवरी तक चलेगी। केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी के अनुसार बालक और बालिका वर्ग में आवासीय एवं गैर आवासीय योजना के तहत चयन हो रहा है। निर्धारित श्रेणी के अनुसार कुल 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस दौरान सोमवार को यहां जिले भर से खिलाड़ी पहुंचे। फिलहाल सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो रही है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट का दौर चलेगा। आज से शुरू कर दी हमने, लगभग 9 बजे से हमने इसकी एंट्री शुरू कर दी है। बच्चों की एंट्री करके इसका फॉर्म दिया पहले हमने, तो फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के फोटोस्टेट कॉपियों को लेकर उसको जो नंबर अलाट कर रहे हैं इनको रजिस्टर में इनकी एंट्री करके फार्म के ऊपर भी वही नंबर रहेगा, और उस नंबर के अनुसार ही हम इसको मतलब ट्रायल लेंगे। कौन कौन से खेल की प्रयोग? वही हमारे पास दो ही डिसिप्लिन है, हॉकी और ये शूटिंग। शूटिंग में राइफल है और पिस्टल है। तो काफ़ी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखो नंबर तो एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा शाम तक, बच्चे आते तक आते रहे। शाम को हम सेकंड सेशन में हम फिजिकल लेंगे इनका। जनरल फिजिकल टेस्ट है जो दोनों का एक ही है। करीब कितने बच्चे सर लिए जाएंगे इसमें? लगभग 12-13 बच्चों का सीट है हॉकी में और 21 बच्चों की सीट है इसमें शूटिंग में। कब तक चलेगी सर प्रक्रिया? हमारा तो कल लगभग बच्चे कम होंगे तो कल भी हो जाएगा, लेकिन परसों का दिन है तो हम आराम से परसों तक ही पूरा करेंगे। वहीं जयपुर से आए प्रतिनिधि आदित्य ने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जा रहे हैं, इससे इन बच्चों को भविष्य में बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये एसटीसी ट्रायल्स हैं, तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है 11 साल से, तो अंडर 18 ईयर्स के बच्चों को उसमें सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए मेरे ख्याल से बुलाया गया है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बॉक्सिंग और शूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों में एक्साइटमेंट है। शायद एक अच्छा आयोजन करने जा रहा है, तो इसका बेनिफिट यहाँ के बच्चों को और यहाँ सीधा इंडिया के सारे बच्चे जिसमें प्रतिभा है उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो ये बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिए।